या सीम मूवमेंट मौजूद है। बॉलर की लेंथ और लाइन को जांचे, उसके बाद हिट के लिए जाए। एक बार फिर उठा दिया इस गेंद को, फील्डर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई और अंपायर का इशारा 6 रन। लेग साइड में खेल दिया, ये लेग स्टंप हाफ बॉली थी और इसका भरपूर फायदा उठा लिया, लेकिन विकेट अच्छी है इसलिए बॉलर के पास गलती की गुंजाइश नहीं। इस बार भी आसपास सी बल्ले की और मुंह की खाना पड़ी। नई गेंद शेयर कर रहे हैं, यहां इरफान जेलर थे बॉलर और ये भी कोई नई बात नहीं। वैसे स्मैश किया स्क्वायर लेग के ऊपर से और ये छक्का हासिल किया और इस गेंद को बहुत बुरी तरह खेल दिया है और मिड विकेट के एरिया का इंतखाब किया कि बाहर सीधा खेले, गैप में खेले। और ये शॉर्ट आर्म जैब, यही वजह थी कि क्लियर नहीं कर सके। इस बार कोई गलती नहीं की तैयब ताहिर ने। बासानी गेंद जो है वो पॉपिंग क्रीज के अंदर है कि बार लेंथ को रीड कर लिया था लेकिन भरपूर शॉट खेली नहीं। जलमी के खिलाफ चिप कर दिया इस गेंद को लेकिन टाइमिंग बड़ी जबरदस्त, अच्छी गेंद। 190-95 या 200 तक जा सकती है। इशाल एसोसिएट्स की टीम उठा दिया इस गेंद को, टाइम नहीं कर पाए, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान कैच लिया। नियाज खान ने अपनी दूसरी कामयाबी हासिल की, ये नियाज खान ने हासिल की है बाउंसर पर, तो वो इम्तिहान ले रहे थे बैकफुट की टेक्निक का इन दोनों ओपनर्स की, जिसमें दोनों ही नाकाम हो गए, पहले मोहम्मद सुदैस और उसके बाद सज्जाद अलीम। और ज्यादा एतमाद था नियाज के पास, हैदर जो है तवक्को नहीं कर रहे थे, गेंद लेट मूव हुई लेकिन इस चीज के साथ मसला जरूर, ये गेंद पलटने के बाद अंदर की जाने भाई, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे। अच्छी ड्राइव है ऑफ साइड पर, लॉफ्टी ड्राइव है और देखने से ताल्लुक के स्ट्रोक था, क्या स्वीट टाइमिंग थी अली यूनस, बहुत उम्दा, बेहतरीन, बहुत ही शानदार बॉलिंग। ओ ऐसा लगा जैसे बॉल एज लिया है, कटना करते तो बेहतर, ये बुरी शॉट है, गेंद थी और जबरदस्त शॉट है, बॉल करनी है किस वेरिएशन से करनी है और लोकल बॉय एक बार फिर शॉर्ट बॉल किया है और इसे उठा के खेले हैं 6 रन के लिए। एक और बड़ा शॉट सीधा 6 रन के लिए। 34 गेंदों पर मुश्तमिल ये पार्टनरशिप, उठा दिया इस गेंद को खूबसूरती के साथ 3 गेंदों में और अब ये 27 हो गए इस चौके के साथ। क्रिकेट टीम इन्होंने तश्कील दी, ये हवा में खेल गए, इस तरफ बाउंड्री जो है उसका फासला कम है और कम हो गया, ये सिर्फ टाइमिंग के बलबूते पर, यहाँ जो है 185-190 तक इनको पहुंचना चाहिए। ये उम्दा शॉट खेला इस बार, पुल शॉट खेला स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड और इस बार उठा खेला, ये 10वां छक्का है आज की शाम का, चौकों से ज्यादा छक्के लगे हैं और यूं अपनी निस सेंचुरी तक भी पहुंच गए। सज्जाद इब्राहिम जिनकी आज हमने पहली झलक देखी है, खासा मुतासिर कुन रहे हैं, सीधा खेले 6 रन हासिल किया। एक मरतबा फिर अब की बार टाइम करने में कामयाब नहीं हुए और डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने कैच लेकर एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स का इख्तिताम किया सज्जाद इब्राहिम की और अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर रमीज जूनियर ने एक कामयाबी दिलाई। ये फ्लैटेड बॉल थी, इसको घुमाना चाह रहे थे लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर ने बड़ा अच्छा कैच लिया, टाइमिंग उतनी नहीं थी, थोड़ा जल्दी कर गए। ओ गई फाइन लगी जानिब, वहां पर मौका था, थोड़ा इंतजार किया है, उठा के खेले, फील्डर मौजूद हो, अच्छी एफर्ट थी, अच्छा खेले, गैप में खेले, प्लेसमेंट कमाल की रही, शानदार बैटिंग जारी है। ये ऊंचा शो खेला है 4 रन के लिए, धनाटेदार ड्राइव थी, क्या ये बेहतर है, दूसरा यॉर्कर किया है इन्होंने ऑन टारगेट, टॉप एज 4 रन मिल जाएंगे।
अच्छी बॉलिंग, एक और शॉट, बहुत ही बड़ा शॉट, मैदान से बाहर जाएगा ये बॉल, इनफैक्ट छत पे जाएगा ये बॉल। अरे लेकिन ऐसी बॉलिंग अगर होती रहेगी तो शायद रोक सकेंगे, लेकिन जबरदस्त शॉट है, लेकिन नहीं, अब आप कहेंगे कि करीब था कि ये कैच हो जाता, लेकिन और क्रिकेट से लुत्फंदोज हो गए। लीजिए जनाब, इस पर क्या कहेंगे आप, शानदार चौका, ये अथॉरिटी दिखाते हुए। आप अगर लो फुल टॉस करेंगे तो मेरे पास वैरायटी है शॉट्स खेलने की। आप अभी बॉलर की वैरायटी की बात कर रहे थे तो हम शॉट सिलेक्शन की बात भी करेंगे यहाँ पे। भाई वाह, एक और हवा में शॉट, एक और हवा में शॉट, फील्डर देखते रह जाएंगे, छह रन के लिए आउट हो जाएंगे। शॉट खेले लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, एक और विकेट न्यास के लिए, चौथी विकेट इस इनिंग की। यू सी स्लो वन था, और ये हमने देखा है कि जो स्लो वन है इस पे स्ट्रगल करते रहे बावजूद उसके कि बड़ी अथॉरिटी के साथ खेले बैटर। ओ अच्छी फील्डिंग, बहुत ही कमाल की फील्डिंग, अगर 200 तक ले जाएं तो क्या ही बात है। फुल टॉस, नो बॉल होनी चाहिए, ये यकीनन नो बॉल होगी क्योंकि बहुत ऊंचा था बॉल, कमर की ऊंचाई से ऊपर जाता है या नहीं जाता ये देखना होगा, फैसला तो अंपायर ने करना है, लेकिन काफ़ी ऊपर है। अभी नो बॉल का जो हतमी तौर पर या ऑफिशियली इसका ऐलान होना बाकी है। ये मुश्किल गेंद थी, खतरनाक थी बल्कि मैं कहूँगा फ्रॉम द बैटर पॉइंट ऑफ व्यू। या तारिक रशीद आहिस्ता आहिस्ता अपने विकेट्स की तरफ जाते हुए इशारा देंगे नो बॉल का। जी हाँ, यही एक्सपेक्टेड था। शोएब अख्तर, हवा में बॉल है, ज्यादा दूर नहीं गई है, तैयब ताहिर कैच जरूर कर लेंगे लेकिन ये फ्री हिट है, विकेट हासिल नहीं होगी क्योंकि आपने गलती पिछले बॉल पे की थी, खुमियाजा अगले बॉल पे भुगतना पड़ेगा। बहरहाल ये एक नाइस बट वीक अटेम्प्ट कहना होगा। इस तरह अब रन आउट की अपील हो गई, एक आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात है। ये जरा इस पर तबसा कीजिए कि बड़ी हाजिर दिमागी की जरूरत होती है, और जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त वनी क्लास, वनी वैल्यू क्लास के जो तमाम। हवा में बॉल, फील्डर है नीचे, आसानी से कैच ले लिया कप्तान साद नसीम ने। एक और जावी से देखिए, ऊंचा स्ट्रोक, बल्ले की आवाज से अंदाजा हो जाता है कि नहीं आप कामयाब नहीं है, आप नाकाम व नामराद हैं। तो इस तरह ये एक और विकेट गिरी, 188/6। अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस है। ओ कैच हो सकता था ये, क्या ये कैच था, क्या ये बॉल ग्लव को लग के गई है। वेरी गुड फेस एज वेल, आउट हो जाएंगे। जी हाँ यकीनन ये बॉल सीधा मिडिल स्टंप पे लग रहा है। उस दौरान सिर्फ 7 रन बने हैं। नहीं जनाब ऐसे नहीं होगा, एक लैगिंग लेंथ वाली गेंद थी मिडिल और ऑफ स्टंप पर। बहरहाल मैं कहूंगा कि शुएब ने ये आखिरी ओवर बहुत ही अच्छा किया, तो इस तरह 189/8। मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी एफर्ट है और एक अच्छा मैच होने के लिए जा रहा है। बाय ऑल मींस गो के जो क्लोजिंग है, जो आखिरी ओवर है वो बड़ा अच्छा रहा।